गाइस अभी GTA की मॉडिंग कम्युनिटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि भाई मॉडर्स एक अलग ही गेम बना देते हैं GTA को मॉड करके। और भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि GTA के पूरे 16 गेम्स हैं। अगर हम लोग इन GTA के मॉड्स को मिलाए तो भाई फिर तो GTA के काफी ज्यादा गेम्स बनते हैं। पर यार गेम असल में ऑफिशियल नहीं है, बट ये गेम बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले। अगर ऐसे ही आपको गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही गेमिंग वीडियो देखने के लिए। GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज जो कि PSP और PS2 के लिए स्पेशली बना था और भाई बाद में इसको एंड्रॉइड भी पोर्ट कर दिया गया, लेकिन नहीं भाई साहब ये PC पे आया ही नहीं। फिर हमारे मॉडर्स ने GTA Vice City को मॉड करके GTA Liberty City Stories बनाया। और भाई साहब आप इस गेम को खेलोगे तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे भाई रॉकस्टार का ये ऑफिशियल गेम है। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉड बना था GTA Vice City के लिए। इसमें आपको पूरे GTA Liberty City Stories के मिशन दिए गए और भाई वन ऑफ द बेस्ट मॉड है फॉर GTA Vice City। एक दूसरा मॉड जो कि GTA Vice City के लिए बना था इसका नाम था GTA Vice City Fast and Furious मॉड। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉड है फॉर GTA Vice City। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट पर कार्स दी गई जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, निसान, बुगाटी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज वगैरह। ये सबसे ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा अच्छा मोड था। ये मोड 2005 या 6 का होगा। और गाइस ये मैं आपको पर्सनली बताऊं कि इसकी बहुत ही ज्यादा ऑफलाइन सीडीज मार्केट में बिकती। भाई हमें जो है ना कभी सीडीज में ओरिजिनल GTA Vice City नहीं मिला, हमें सिर्फ यही मिला था। इस मोड में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी न्यू लोकेशंस दिखाई गई। और मैं वन ऑफ द बेस्ट बात बताऊं उस मोड की कि आपको इसमें मिशन डायरेक्टली दिए गए सारे, जैसे आपको GTA Vice City में एक एक करके मिशन अनलॉक होते हैं ना, जैसे लॉयर, कॉर्टेज, डियाज वगैरह, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें डायरेक्ट आपको सारे मिशन दिए जाते हैं। ये भाई GTA Vice City का वन ऑफ द बेस्ट मोड है। अभी जो GTA का पहला गेम था जिसका नाम था GTA 1 वो था भाई 2D में। अगर आपको वही गेम दोबारा दिया जाए वो भी 3D में तो भाई एक तो अलग ही मजा होगा। लेकिन ये भाई एक अलग ही गेम है, इसका नाम होने वाला है जुक थिफ्ट ऑटो। इसमें आपको पूरा GTA 1 का मैप दिया गया है। गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। गेम में आपको पूरा भाई 3D दिया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मसला है, इसमें आप सिर्फ मिशन नहीं कर सकते, बाकी भाई गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तो कहता हूँ एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करो, गेम में बहुत ही ज्यादा फन है। ओपन वर्ल्ड घूमो, पुलिस से लड़ो, क्राइम वगैरह करो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो भाई इस गेम को तो जरूर ट्राई करना। मुझे पता है आपको पता है कि GTA 5 मोबाइल के लिए नहीं आया, लेकिन एक डेवलपर है जिनका नाम है आर यूजर्स गेम। भाई वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गेम्स बनाते हैं। GTA 5 या GTA Vice City या बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गेम जैसे स्पाइडरमैन वगैरह हो गए, उनके फैनमेड ये बनाते हैं। तो उनमें से जो हमारा गेम निकल के आता है उसका नाम है GTA 5 एलियन। भाई रियल में इसमें आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मैं GTA 5 का वो एलियन वाला मिशन कर रहा हूँ। ये मोड पर एंड्रॉइड के लिए, ये कोई PC के लिए नहीं है। भाई अगर हमारे मॉडर्स या फिर हमारे डेवलपर चाहे तो पूरे GTA 4 और GTA 5 को एंड्रॉइड में ला सकते हैं, लेकिन टेक टू इंटरेक्टिव की वजह से वो रुके हुए हैं। वरना भाई वो देरी नहीं करेंगे GTA 5 और GTA 4 को मोबाइल में लाने में। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस गेम को ट्राई करोगे या फिर नहीं। गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं कि GTA ट्रायोलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन की लॉन्च काफी ज्यादा बेकार रही है, क्योंकि भाई लिटरली इसमें बग्स और ग्लिचेस बारिश की तरह बह रहे थे। लेकिन 9-10 साल पहले हमारे मॉडर्स ने GTA 4 के लिए एक मॉड बनाया था जिसका नाम था GTA San Andreas रेज। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स दिखाए गए फॉर GTA San Andreas। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं ये मॉड GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन से काफी ज्यादा अच्छा है। भाई एक तो ग्राफिक अच्छे और GTA 4 वाले फिजिक्स और मैकेनिक्स, भाई और क्या चाहिए। बस इस मॉड में सिर्फ एक ही कमी है, इसमें जो है ना बस CJ के जो कैरेक्टर है ना उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट और लाते। तो हाँ यार बस आज की वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। मैं भी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।